इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सारनी के सतपुड़ा जलाशय के पास मौजूद एमपी टूरिज्म के पार्क में। कहने के लिए इसको एमपी टूरिज्म ने बनाया था, पर जैसा काम होना चाहिए था वैसा कुछ यहाँ पर हो नहीं पाया। इसको पहले तो बना दिया गया, उसके बाद एमपीपीजीसीएल से परमिशन की कोशिश की जाती है तो परमिशन बोट चलाने के लिए मिलती नहीं है, जिसके बाद एमपी टूरिज्म इसको लावारिस हालत में छोड़ के चले जाता है। उसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है कि इसको या तो एमपीपीजीसीएल को दिया जाएगा या फिर नगरपालिका को दिया जाएगा, पर समय बीतता जाता है और एक भी जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं देता है। नतीजा ये होता है कि धीमे धीमे करके चोर इसे खंडन करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जो जालियाँ लगाई गई थी उसको निकाल लिया जाता है, जो खिड़की दरवाजे लगाए गए थे उसको निकाल लिया जाता है। इस बारे में टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है मीडिया में बराबर कि यहाँ पर इस तरीके से खंडर किया जा रहा है और इसको बचाया जाना चाहिए, परंतु एक भी जनप्रतिनिधि समय रहते आगे नहीं आता है इसको बचाने के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष अपने स्टेटमेंट देते हैं कि हम इसको बचाएंगे और इसकी कस्टडी लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसके बाद सब मिलकर इंतजार करते हैं कि कब ये खंडर हो जाए। मिली भगत करके इसको खंडर किया जाता है, यहाँ का लोहा निकाल लिया जाता है। हालत ये है कि यहाँ पर जो टाइल्स लगाए गए थे वो भी निकाल लिए जाते हैं और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसके बाद नगर पालिका के पार्षद और अध्यक्ष मिलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अब इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए और फिर इसके लिए मोटी रकम में टेंडर निकाला जाता है, जिससे कि अब आने वाले समय में इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो सवाल यही है कि जनता के पैसों का कब तक दुरुपयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर जब पेपरों में खबर छपी थी और जब अध्यक्ष अपने स्टेटमेंट दे रहे थे, जब पूरे शहर के सामने ये सिचुएशन थी कि इसको खंडर किया जा रहा है, तो समय रहते इसको बचाया क्यों नहीं गया और क्यों अब जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्या अभी भी कोई प्री प्लानिंग है या नहीं है कि इसको ठीक करने के बाद इसको कैसे चलाया जाएगा? क्या प्रॉपर परमिशंस नगर पालिका के पास है या बस हवा हवा में काम हो रहा है और अपने पसंदीदा ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर निकाला जा रहा है? इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस बार अपना जो भी पार्षद चुने बहुत सोच समझ के चुने। बीजेपी और कांग्रेस ने हमारे पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है और इनके पार्षद कोई भी सही तरीके से आकलन नहीं लगा पाते चीजों का, जिस वजह से कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है या किसी भी चीज को डिमोलिश कर दिया जाता है, उसके बाद उसका दोबारा कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। इसलिए अच्छे लोगों को चुने, अच्छे पार्षदों को चुने और उनको नकारें जिन्होंने हमारे शहर को बर्बाद किया था। इस शहर की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, लगातार पलायन का दौर जारी है और हालात ये है कि जो एमपी टूरिज्म ने पार्क बनाया था यहाँ के टाइल्स तक के जो है वो लोग निकाल के लेके गए हैं। ये कंडीशन है, आप सोचिए कि किस कंडीशन में लोग टाइल्स चुरा रहे होंगे या फिर ऐसी क्या भुखमरी होगी कि उनको टाइल्स चुराने की नौबत आ गई है। ये बहुत सीरियस चीज़ है जिसको हमको सोचना है और अगर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद चाहते, अध्यक्ष चाहते, तो स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते थे। हर वार्ड में ये लोग रोजगार की सुविधा मुहैया करवा सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो इनकी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी जेबें भरी, उनको टेंडर दिलाए, उनके हिसाब से काम किया और ये लोग सिर्फ कठपुतली बनकर ही काम करते हैं। इसलिए इस बार बहुत जरूरी है कि हम लोग ऐसे पार्षदों का चयन करें जो कठपुतली ना हो और अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो और जनता के लिए काम करे, आपको आपके वार्ड में आकर के रोजगार दिलवा सके। और इसके लिए इस बार आम आदमी पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है इस शहर में और सबको इस पार्टी से बहुत उम्मीद है और हम लोग ऐसे कैंडिडेट पार्टी से खड़े कर रहे हैं जो समझदार है और जो डिसीजन मेकिंग है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और कठपुतली बनके जो काम नहीं करेंगे इस शहर में। तो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ की बर्बादी है और जो हमारे पूरे शहर की बर्बादी है उसको देखते हुए आप लोग फैसला लेंगे कि आपको किसको वोट देना है।